जाट महाकुंभ के नाम पे कोई राजनीति है तो वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा और सब लोगों को जाना भी चाहिए। और चुनाव है और जाट मुख्यमंत्री को मांग को लेकर जाट महाकुंभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात हमारे समाज के लिए क्या हो सकती है कि जब जाट मेडल आ रहे थे उस दिन आपको ये करना चाहिए था कि मेडल तो जाटों ने लाए, उस दिन भारत का नाम नहीं लेना चाहिए था। उनके साथ ये लाइन भी जोड़नी चाहिए थी कि भारत के अंदर जो भी मेडल है वो भारत का नागरिक नहीं, जाट थे। अगर भारत के नागरिक थे तो कल भी वो आंदोलन कर रहे थे तो भारत का नागरिक था। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं कि उन्होंने एक जाति को टारगेट किया कि जिस दिन हमारे खिलाड़ी देश के मेडल लेके आते हैं उस दिन वहाँ पे किसी जाति का तिरंगा नहीं लहराते, वो किसी जाति का झंडा वहाँ नहीं लहराते, पूरे देश का तिरंगा दुनिया में घूमता है और उस खिलाड़ी का सम्मान होता है और वो खिलाड़ी अपने देश का सम्मान करता है पूरी दुनिया के अंदर। हमारा समाज इस स्टेट में सबसे बड़ा समाज है तो जाहिर सी बात है जो समाज जिसकी संख्या बाहुल्य होगी वो राजनीति में भी अपना वर्चस्व रचाएगा। हमारा संगठन तेजा सेना गैर राजनीतिक जरूर है लेकिन हम ये जब राजनीति की बात आती है तो हम ये बात जरूर कहेंगे कि हमारी समाज की प्रतिभागिता उस राजनीति में भी इतनी मजबूती से हो जितनी मजबूती से हम हर कार्य क्षेत्र में। आज हमारे समाज से प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा के अंदर, देश के अंदर मेडल लाने वालों में हमारे समाज के सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं। तो हम इस बात की क्यों ना पैरवी करें कि हमारे समाज का भी राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे कि उस राजनीतिक पार्टी से, जो कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमारे समाज की मजबूत पैरवी करेगी कि समाज से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोगों ने इतने साल तक वोट दिए हैं, हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। तेजा जी कल्याण बोर्ड का सरकार गठन करें। लंबे समय से हमारी मांग है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी आश्वासन ही दे रहे हैं तो हमारी ये मांग जरूर है कि वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड का सरकार गठन करे और पूरे राजस्थान के हर जिले में हर आदमी तक ये बात जरूर पहुंचे कि तेजा सेना सिर्फ धरने प्रदर्शन आंदोलन ही नहीं करती, हर किसी गरीब मजदूर शोषित पीड़ित आदमी को साथ लेकर उसकी समस्याओं का निराकरण भी करती है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति, गरीब किसान, झोपड़ी तक हम पहुँचे और उनको इस बात के लिए जागरूक करें कि शिक्षा समाज में बहुत ज़रूरी है। अलग अलग समाजों द्वारा आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, एक समाज विशेष को टारगेट किया जा रहा था तो समाज के प्रबुद्ध जन नागरिकों ने बैठ के ये डिसाइड किया और इस तेजा सेना का गठन किया। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म, आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान IIM करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्हें शेखावाटी में हर कोई युवा जानता है। हम बात कर रहे हैं श्री राम बिजारणिया की, जो कि हाल ही में तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने। नमस्कार श्री राम जी, आपका RJ TV 24 पर स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक तो युवा चेहरे हो और तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहले चीज तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जो तेजा सेना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जी, तेजा सेना का मुख्य उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सामाजिक एकता को बनाए रखें, सारे समाजों को, किसी भी समाज के आपस में टकराव नहीं हो, सामाजिक मतभेद नहीं हो, इनको सबको साथ लेते हुए आम जन जो एकदम से अंतिम छोर तक, आज तक कितने गरीब शोषित मजदूर लोग हैं उन तक कोई समाज पहुंच नहीं पाया, बहुत सी पीड़ाएं समाज में, तेजा सेना ये उद्देश्य लेकर चली है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हमारा समाज कैसे पहुँचे, उसको कैसे जागरूक किया जाए, उसमें सामाजिक चेतना किस तरीके से लाई जाए। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोएं और किसी भी अन्य समाज से किसी प्रकार का टकराव पैदा न करते हुए सामाजिक एकता को मजबूत किया जाए और तेजा सेना को पूरे राजस्थान में एक नया आयाम दिया जाए। तेजा सेना, लंबे समय से मैं इसको बारे में सुनता आ रहा हूँ, तो तेजा सेना का जो कहें कि कब बनी थी ये और इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे आपने ये बताया, आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं? तेजा सेना सन 2013 के अंदर बनी थी। उस टाइम जिन लोगों ने तेजा सेना का गठन किया उनका एक ये मोटिव था कि हम जिस समय तेजा सेना का निर्माण हुआ, गठन हुआ, उस समय अलग अलग समाजों द्वारा आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, एक समाज विशेष को टारगेट किया जा रहा था तो समाज के प्रबुद्ध जन नागरिकों ने बैठ के ये डिसाइड किया और इस तेजा सेना का गठन किया कि अपने समाज के सारे लोगों को एकजुट रखा जाए और अन्य किसी समाज से, जिन अन्य समाजों की सेनाएं बनी उनसे हमारा कोई टकराव पैदा नहीं हो, उनको लेकर तेजा सेना का गठन हुआ था।
और 2013 से 2022 तक तेजा सेना के जितने भी जिले के अध्यक्ष रहे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, तो उन सब ने मिलकर तेजा सेना को सामाजिक एकता बनाने में तेजा सेना ने अहम योगदान दिया। पहले राजेश जी ठाकल, सांवर जी मुवाल, पवन जी भी अध्यक्ष रहे, तो इन सब का एक ही मोटिव था कि तेजा सेना अपने समाज के गरीब शोषित पीड़ित हर आदमी को साथ लेके, ये नहीं कि अपन 150 लोग बैठ के तेजा सेना को ऊपरी वर्ग को साथ लेके चले, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। ना पीछे जिन लोगों ने काम किया उनका ये उद्देश्य था। तेजा सेना का मुख्य ये था पिछले कार्यकाल में भी जो काम किए उनका, कि हर आदमी को जीरो से लेकर हीरो तक जो भी आदमी हो उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हो, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाए, इनको लेकर और तेजा सेना ने काम किए। इनमें तेजा सेना ने किसी अगर गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ तो उनके लिए भी आंदोलन किया है, किसी मजबूत आदमी किसी जनप्रतिनिधि के साथ में हमारे समाज के बचे हुए किसी भी समाज का उसके साथ अगर गलत हुआ है तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ी है, किसी ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पे कुछ कर नहीं पा रहा और उसके अंदर बहुत सी प्रतिभाएं हैं तो उस आदमी के लिए भी, चाहे वो खेल में हो, शिक्षा में हो, हर तरीके के इंसान के लिए तेजा सेना ने एकजुट होकर उनके लिए काम किया। आप युवा चेहरे हो, आप छात्र राजनीति से निकले हो, अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस तेजा सेना का विस्तार करते हुए पूरे राजस्थान में कैसे फैलाओगे आप? हम देखिए जी, मैं पिछले 10-12 वर्षों से छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। 2010 से जो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कॉलेज थी सीकर की एस के कॉलेज, उस एस के कॉलेज से मेरा एडमिशन हुआ। 2013 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा अध्यक्ष का। तो मेरा जो मोटिव है, मेरे को सिर्फ समाज ने जिम्मेदारी दी है और सब समाज के सारे लोग मिलकर हमारा ये मोटिव है कि तेजा सेना न केवल सीमित जगह तक रहे, पूरे राजस्थान में फैले और आम जन को ये उम्मीद बंधे कि हम पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, कि हमारा कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान हो और पूरे राजस्थान के हर जिले में हर आदमी तक ये बात जरूर पहुंचे कि तेजा सेना सिर्फ धरने प्रदर्शन आंदोलन ही नहीं करती, हर किसी गरीब मजदूर शोषित पीड़ित आदमी को साथ लेकर उसकी समस्याओं का निराकरण भी करती है। तो मेरे को जो समाज ने जिम्मेदारी दी है, मैं समाज की उस उम्मीदों पे, जितनी उम्मीद मेरे से की है उस पे मैं खरा उतरने की 100% कोशिश करूँगा और यह भी कोशिश करूँगा कि सब भाइयों को साथ लेकर मिलजुल कर एक नए राजस्थान में नए समाज का निर्माण करेंगे। आप समाज की बात कर रहे हो, आप जिस समाज से आते हो, आप तेजा सेना की बात कर रहे हो, तो जिस समाज में आप आते हो वहाँ पे शिक्षा को लेकर आज भी अंतिम छोर की बात करें तो वहाँ पे शिक्षा को बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि आप शिक्षा नगरी सीकर से आते हो। जी बिल्कुल, मैं जिस इलाके से आता हूँ वो शिक्षा में बहुत अग्रणी जिला है। यहाँ के जो शेखावाटी संभाग है वहाँ बहुत मजबूती से शिक्षा की अलग जगह चेतना भी है, लेकिन पूरे राजस्थान की बात करें तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जागरूकता नहीं है, बहुत से जैसलमेर बाड़मेर जैसे इलाके ऐसे भी हैं, चंबल के भीड़ हैं, वहाँ पर इस तरीके की है कि किसी भी प्रकार के आम जन में है, बच्चों में किसी प्रकार की शिक्षा के प्रति रुझान नहीं है। हमारा ये भी टारगेट रहेगा, एक लक्ष्य उद्देश्य रहेगा कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति, गरीब किसान, झोपड़ी तक हम पहुँचें और उनको इस बात के लिए जागरूक करें कि शिक्षा समाज में बहुत ज़रूरी है और उनको शिक्षित करने के लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनका रुझान सामने लाएंगे। जी, अभी पिछले दिनों आपके ही देखरेख में सीकर के अंदर 2-3 कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रम में जितने भी जनप्रतिनिधि आए या फिर जितने भी नेता लोग आए वो सारे मतलब एक भाषण में राजनीतिक भाषण दे रहे थे, तो उस राजनीतिक भाषण का क्या मायना है? वो सारे मतलब जाट मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, सारे मतलब अपने प्रतिनिधियों की बात कर रहे थे, तो उनका क्या महत्व है? देखिए जी, हमारा समाज इस स्टेट में सबसे बड़ा समाज है, तो जाहिर सी बात है जो समाज जिसकी संख्या बाहुल्य होगी वो राजनीति में भी अपना वर्चस्व रचाएगा। हमारा संगठन तेजा सेना गैर राजनीतिक जरूर है, लेकिन हम ये जब राजनीति की बात आती है तो हम ये बात जरूर कहेंगे कि हमारी समाज की प्रतिभागिता उस राजनीति में भी इतनी मजबूती से हो जितनी मजबूती से हम हर कार्य क्षेत्र में है। आज हमारे समाज से प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा के अंदर, देश के अंदर मेडल लाने वालों में हमारे समाज के सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं, तो हम इस बात की क्यों ना पैरवी करें कि हमारे समाज का भी राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे कि उस राजनीतिक पार्टी से, जो कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमारे समाज की मजबूत पैरवी करेगी कि समाज से हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो समाज के उन जनप्रतिनिधियों ने बात सही कही थी, उन्होंने किसी गलत बात नहीं की थी। हमारा समाज हक भी है हमारे समाज का इस बात को लेकर कि हमारा भी CM बने। आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा आबादी हमारे समाज की है,
तो हमें इस चीज की तो उम्मीद रहेगी कि हमारा समाज राजनीति में सबसे आगे रहे। हम लोगों ने इतने साल तक वोट दिए हैं, हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, तो उस जो दो कार्यक्रम हुए, दोनों कार्यक्रमों में जो लोग भी आए, जो अतिथि हमने बुलाए, समाज के हमारे समाज से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जनप्रतिनिधि थे वो हमने बुलाए, और उन्होंने जब मांग रखी तो उनकी मांग वो वाजिब थी कि राजनीति के अंदर हमारा प्रभुत्व बढ़े। और जिस तरीके से आज तक आज़ादी के बाद हमने जिन राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया है, तो वो राजनीतिक पार्टियां उस वोट की ताकत को समझें, उस महत्व दें उस वोट को, और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व राजस्थान में स्थापित करें। आप जैसे बात कर रहे थे कि हमारे समाज के सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं, तो बात करें हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं। पिछले दिनों वही मेडल लाने वाले आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार उनको टारगेट करके ये बोल रहे थी कि ये तो कुछ जाति विशेष लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन हमारे खिलाड़ी देश के मेडल लेके आते हैं, उस दिन वहाँ पे किसी जाति का तिरंगा नहीं लहराते, वो किसी जाति का झंडा वहाँ नहीं लहराते, पूरे देश का तिरंगा दुनिया में घूमता है और उस खिलाड़ी का सम्मान होता है और वो खिलाड़ी अपने देश का सम्मान करता है पूरी दुनिया के अंदर। और जब पिछले दिनों जिन खिलाड़ियों ने, कुश्ती के पहलवानों ने ये कहा कि कुश्ती संघ हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, वो धरने पे बैठे आंदोलन कर रहे थे, जिन लोगों ने भी ये कहा कि ये जाति विशेष के लोग हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। जिस दिन देश के लिए मेडल आ रहे थे, उस दिन भारत का नाम रोशन कर रहे थे और देश के लिए वो भारत के नागरिक थे, और जिस दिन उन लोगों ने अपनी मांगें रखी और उन मांगों को लेकर अगर वो मूवमेंट कर रहे थे और उनको जाति को टारगेट किया गया, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। और जब वो जाति को टारगेट ही कर रहे थे, तो मैं समाज का जनप्रतिनिधि होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने टारगेट किया, कि जब जाट मेडल आ रहे थे, उस दिन आपको ये करना चाहिए था कि मेडल तो जाटों ने लाए, उस दिन भारत का नाम नहीं लेना चाहिए था, उनके साथ ये लाइन भी जोड़नी चाहिए थी कि भारत के अंदर जो भी मेडल आए वो भारत का नागरिक नहीं, जाट थे। अगर भारत के नागरिक थे तो कल भी वो आंदोलन कर रहे थे, तो भारत का नागरिक था, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं कि उन्होंने एक जाति को टारगेट किया। जी, अभी आप एक चीज़ और बता रहे थे कि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो केंद्र सरकार में अभी आप जिस समाज चाहते हो उसके ना कोई मंत्री है ना कोई जो केंद्रीय मंत्री है वो तो है नहीं, यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं वो जरूर बनाए गए हैं दो लोगों को, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, इससे पहले भी हमारे समाज के केंद्र के अंदर केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन पिछले जो दो कार्यकाल रहे हैं इनमें जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से रहे हो, किसी पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि हमारी बिरादरी से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारा समाज केंद्र और राजस्थान की राजनीति में बहुत मजबूत अपना स्थान रखता है। इसके बावजूद हमारी आबादी होने के बाद में हमने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई है, अपना लोहा मनवाया है, और इसके बावजूद हमारे केंद्र में आज मंत्री नहीं है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, तो ये हमारे समाज के लिए ये तो कहीं ये नहीं कि लॉलीपॉप दे रखा है बनाने। जी, बिल्कुल लॉलीपॉप जैसा है। हमारे समाज से कितने एमपी आज और फिर केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की क्या स्थिति है आज से देखो कितनी, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा आबादी हमारी, और उसके बावजूद हमारा आज तक गृह मंत्री नहीं बना, तो हम तो बात डोटासरा जी को मंत्री बनाया था, उन्हें भी हटवा दिया गया आंदोलन के। जी बिल्कुल, हटाया गया, अभी उनको एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद दे रखा है, हो सकता है वो राजनीतिक बातें, मैं इन पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम तो जो आप कार्यक्रमों की बात करें जो है तो वो हमारी है। तो क्या तेजा सेना का भी 2023 के चुनाव में अहम रोल रहेगा, क्योंकि आप सामाजिक बात करते हो लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो राजनीति पे आके टिक जाता है, तो क्या आपका भी एक अहम भूमिका रहने वाली है? तेजा सेना कोई राजनीति की बात नहीं करेगी, इतना जरूर है कि हमारे समाज का संगठन है, तो हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में भी अगर हमारा समाज मजबूत है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक हमारा है, तो उस राजनीति में प्रतिनिधित्व भी तो हमारा उस वोट बैंक के हिसाब से होना चाहिए, ये मांग हमारी जरूर रहेगी। 2023 का विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें हमारी जो मांग है जाट मुख्यमंत्री की, उसके हम पूरे पक्ष में हैं। मैं किसी राजनीति की बात न करते हुए सामाजिक बात के तरीके से ये बात कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक वाली जाति है हमारी, हमारा समाज है, तो उसका प्रतिनिधित्व भी राजनीतिक पार्टियां उस हिस्से से तय करें। अभी 5 मार्च को जाट महाकुंभ हो रहा है, वो भी इसी एक मोटिव मैन जो विजन है इसको लेकर हो रहा है कि जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या यूं कहें कि जाट समाज है वो अपनी ताकत दिखा रहा है 5 मार्च को जाट महासभा के नेतृत्व में, तो इस पर आप क्या करें, क्या आप जाओगे वहां? बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगा मैं, हमारा समाज का अगर कार्यक्रम है तो बिल्कुल जाऊंगा, अगर उसके पीछे पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक कारण है
तो वो आगे की बातें हैं, लेकिन सार्वजनिक तरीके से वो अगर सामाजिक कार्य है तो वहाँ जाना चाहिए हर आदमी को, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के काम में समाज के लोगों को जाना भी चाहिए। और उसका नाम जाट महाकुंभ है, तो पहले महाकुंभ से पहले जाट नाम है, तो सारे जाटों को ही जाना चाहिए। लेकिन अगर उस जाट महाकुंभ के नाम पर कोई राजनीति है तो वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उस कार्यक्रम में मैं जाऊँगा और सब लोगों को जाना भी चाहिए। और चुनाव है और जाट मुख्यमंत्री की मांग को लेकर जाट महाकुंभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हमारे समाज के लिए क्या हो सकती है। जी, अभी आप एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप युवा हो, आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, तो एक युवाओं को लेकर एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा कि सरकार है वो युवाओं का जो पेपर लीक हो रहे हैं बार बार, तो क्या उसको लेकर क्या करने वाले हो? बिल्कुल, ये चीज़ें सरकारों को सोचनी चाहिए, किसी भी पार्टी की चाहे सरकार रहो। मैं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ की बात नहीं कर पाऊंगा और ना ही करूंगा, लेकिन ये चीजें जरूर सोचनी चाहिए कि आज आप युवाओं को लेकर तो कह सकते हो ना, आप अपने समाज के युवाओं को लेकर कह सकते हो। समाज के युवाओं को लेकर ये है कि सरकार ये सुनिश्चितता करे कि बेरोजगार जो युवा हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसके साथ उनके साथ अन्याय नहीं हो। पेपर लीक के जैसे ये मामले हैं तो दुर्भाग्य है। समाज बेरोजगार युवा है, कितने दिन कोचिंग क्लासों में कोचिंग करते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि इस एग्जाम में अपन नौकरी लगेंगे और उनका पेपर लीक होता है, तो ये तो गलत ही है। सरकारों को ये सोचना चाहिए और जो लोग पेपर लीक करते हैं उन पर सरकारें कठोर कार्रवाई करें और कठोर कानून बनाएं ताकि आगे से बेरोजगारों के साथ और युवाओं के साथ ऐसा जी ना हो। बजट भी पास होने वाला है तो आप क्या उम्मीद करते हैं अपने समाज के लोगों के लिए? समाज के लिए भी मैं उम्मीद करूंगा और युवाओं के लिए भी ये उम्मीद करूंगा कि सरकार जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दे। समाज के लिए मैं ये उम्मीद भी करूंगा और मांग भी करूंगा कि अभी जो कल बजट पेश होने जा रहा उसमें वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड का सरकार गठन करे। लंबे समय से हमारी मांग है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी आश्वासन ही दे रहे हैं, तो हमारी ये मांग जरूर है कि वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड का सरकार गठन करे और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे। जी, आखिरी संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो चैनल किसी भेदभाव के बिना किसी भेदभाव के कोई भी तरह का प्रसारण करते हैं उस चैनल को आप लाइक भी करें और आम जन उससे जुड़ें। और आपको भी ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपका सोशल मीडिया का जो चैनल है आप बिना किसी भेदभाव के आपकी न्यूज प्रकाशित करें और आप आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ श्री रामजी बिजारी ने जो कि तेजा सेना से प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने जो समाज को लेकर और युवाओं को लेकर जो अपनी राय बताई, युवाओं को लेकर खासकर जो इन्होंने मोटिवेशन दिया और बोला कि अंतिम छोर तक जो शिक्षा को लेकर जो बढ़ावा दिया जाएगा उसको लेकर अपनी राय बताई, ये बहुत ही अच्छी एक पहल होगी अगर तेजा सेना इस कार्य को अग्रिम पंक्ति में आकर कार्य करती है तो। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।